दोस्तों घर बनाते हुए सबसे पहला फाउंडेशन का ध्यान रखना चाहिए। एटलीस्ट 3.5 फुट से लेकर 4 फीट की हाइट होना चाहिए, मगर मुझे इसका आइडिया नहीं था और ऊपर से राजमिस्त्री का कहना था कि मटेरियल भी कम लगेगा और बचत भी होगी। इसी वजह से मैंने घर का हाइट सिर्फ 2.5 फीट का ही रखा, जो कि सबसे बड़ी गलती हुई। मेन राजमिस्त्री हमेशा स्टार्ट से लेकर फिनिशिंग तक एक ही होना चाहिए। हम अक्सर कंट्रेक्टर को घर बनाने का कंट्रैक्ट दे देते हैं, मगर वो और भी कई घर एक साथ स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर राजमिस्त्री चेंज होते रहते हैं और इसी वजह से भी घर का कंस्ट्रक्शन में काफ़ी गड़बड़ी हो जाती है। अगर हो सके तो हर किसी को घर बनाने से पहले एक लीगल कंट्रैक्ट बनवा लेना चाहिए, ताकि कोई गड़बड़ी हुई तो उनसे भरपाई की जा सके। फाउंडेशन में इस बात का ठीक से ध्यान देना चाहिए कि ढलाई का मसाला इस तरह से खुचाई कर करके घुसड़ना चाहिए, ताकि ढलाई मजबूत हो। आखिर पूरे घर का बेस तो वही है। घर का काम स्टार्ट होते ही तुरंत खिड़की और दरवाजे का चौखट बना लेना चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन हरगिज़ ये नहीं है कि मैं किसी भी राजमिस्त्री मिस्त्री या फिर अन्य लोगों का क्रिटिसाइज करूं। मैं तो सिर्फ उन लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग भी अपना घर बनाते हुए ये गलती कदापि ना करें, क्योंकि घर मुश्किल से बनता है। हमारे एक आदरणीय चाचा जी ने क्या खूब कहा है, घर कहता है मुझे एक बार स्टार्ट तो करके देखो, फिर मैं तुम्हें अपने बाप की शादी याद दिला दूंगा। जेब में पैसा होने के बावजूद कभी कभी बड़ी बड़ी अड़चने या फिर रुकावटें आ जाती हैं, जैसे कि बिन मौसम की बारिश हो या भूकंप और कोई प्राकृतिक आपदाएं हो, या फिर कभी कभी वर्कर की कमी भी हो सकती है। फाउंडेशन के बाद रेतीला मिट्टी से फिलअप करना चाहिए, हार्ड मिट्टी नहीं डालना चाहिए। रेतीला मिट्टी में वाटर फिलअप करने पर मिट्टी इक्वली बैलेंस्ड होकर नीचे बैठ जाता है। दरवाजे का चौखट बैठाते वक्त ध्यान देना चाहिए कि वो प्रॉपरली सेट किया गया हो। कभी कभी गलती से उल्टा भी सेट हो जाता है, खास करके सीमेंटेड चौखट के मामले में। दोस्तों घर का कंस्ट्रक्शन के वक्त ही जो भी बड़े प्लांट आपको गार्डन या लॉन में लगवाना हो, उससे आप पहले से ही नर्सरी से लाकर एक कोने में लगवा कर रख सकते हैं। जैसे ही घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो, फिर आप उसे रेस्पेक्टिव जगह पर शिफ्ट कर सको, इससे पौधा बड़े होते रहेंगे और वक्त की भी बचत होगी। घर का कंस्ट्रक्शन के वक्त जहरीला सांप निकल आया था। वर्कर्स ने उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो उन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार इन भाई साहब ने उसे जिंदा पकड़ लिया। असम में इसे फेटी सांप कहते हैं और ये फेटी सांप का बच्चा है। यह एक बंग बेड बनाया जा रहा है।
लोग कहते हैं कि लोहे की पार्लिंग लगवाना चाहिए, लकड़े से अच्छा होता है, इसमें दीमक लगने की टेंशन नहीं रहती। बोरिंग पाइप से जितना पानी घर में डाला जाए, इस तरह से उतना ही अच्छा मिट्टी सेट होता है नीचे से। मुझे लगा सोबेक सीमेंट से घर का प्लास्टर और फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा, मगर मेरा कैलकुलेशन गलत निकला। यहाँ पर हमने बाउंड्री वॉल को ही अपना बेडरूम का एक वॉल बना दिया, स्पेस कम होने की वजह से। ये घर का एंट्रेंस का 3 स्टेप सीढ़ी बन रहा है। यहाँ पर मैंने ब्लॉक ईंट का प्रयोग किया है ताकि इस आउटर रूम में भी वेल वेंटिलेशन बना रहे और घर के बाहर से भी अंदर का प्राइवेसी मेंटेन रहे। यह मेरा ऑफिस रूम का पार्टीशन वॉल है जो एक अलग डिज़ाइन देने की कोशिश की। यह हमारे घर कम स्टूडियो का ग्रिल डोर बनाया जा रहा है। यह एक 2.5 फीट वाइड ग्रिल डोर है और इसे शीट से कवर नहीं किया गया है ताकि धूप से बाथरूम कॉरिडोर का हमेशा ड्राई रहे। यह एक कंपाउंड गेट बन रहा है जो कि स्टूडियो कम घर का मेन USP है। यह घर का एक टॉप एंगल व्यू है। यह है एक छोटा सा लिटिल गार्डन। यहां पर अभी कारपेट ग्रास लगाया जा रहा है।
अब ये देखिए वॉल पुट्टी का काम चल रहा है। ऑफिस का ब्लैक ग्लास फिट किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ मेरा शेयर मार्केट का ट्रेडिंग का काम भी चलता था। शेयर ट्रेडिंग से बढ़िया काम इस दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। जिधर भी जाओ अपना काम बिंदास होकर करते रहो। दोस्तों टाइल्स लगवाने से ही घर का असली लुक बनता है। अगर बजट लिमिटेड हो तो मिक्स टाइल्स का यूज करना चाहिए। ये रहा हमारा बेडरूम। आजकल के रेडीमेड डोर वैरायटी ऑफ डिजाइन में उपलब्ध है मार्केट में और इन्हीं का इस्तेमाल करना काफी किफायती होता है। ये रहा हमारा ऑफिस। और लास्ट बट नॉट लीस्ट उस कॉन्ट्रैक्टर को, उन 5 राजमिस्त्रियों को, मिस्त्रियों को, हेल्पर्स को और सारे वर्कर्स को, पेंटर्स को, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये घर और स्टूडियो बनाने में मदद की। सभी को फिर से मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। धन्यवाद। और ये देखिए कंपाउंड गेट। दोस्तों मैं ये घर कुछ और ही डिजाइन बनाना चाह रहा था मगर कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही की वजह से कुछ और ही बनाना पड़ा। और दोस्तों मुझे ये घर यहाँ तक कंप्लीट करते करते 5 राजमिस्त्री, 4 टाइल्स मिस्त्री, 3 वॉल पुट्टी करने वाले लोग चेंज करने पड़े। तो आप सोच सकते हो कि घर बनाना कितना मुश्किल और कठिन काम होता है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्टर या राजमिस्त्री अगर अच्छे ना मिले तो फिर काफ़ी मुसीबत झेलना पड़ सकता है। काम अभी और भी बाकी है मेरे दोस्त और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।